गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम यू ऑल स्टूडेंट इन आवर असेंट ऑनलाइन क्लास। आज की हमारी क्लास है क्लास नर्सरी से प्रेप के लिए और आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो बच्चों आप अपनी हिंदी की ऑल इन वन रीडिंग बुक निकालिए। तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ओरल करेंगे, है ना। तो ओरल में किसका ओरल करेंगे, हिंदी का। अ से अनार, आ से आम। तो जल्दी से बोल लो बच्चों, फोटो के साथ ही बोलते हैं अपन। ये रहा अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, छोटा उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। फिर स्वर अ आ ई ई उ उ री ए ऐ ओ औ अंग अह, है ना। तो ये तो हो गया आपके ओरल। अब अपन करेंगे कॉपी में काम, जो कि अपन किस में करते हैं, नोटबुक में, है ना। आपके पास भी ऐसी नोटबुक। तो हमने उस दिन क्या काम किया था, हमने किया था अंग से अंगूर। तो ये आपका होमवर्क था। तो आज अपन इसको वापस एक बार दोहरान कार्य के रूप में कर लेते हैं। तो आपको भी ऐसे अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंगूर ऐसे लिखना है बोल बोल के, अंग से अंगूर, 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 अंग से अंगूर। तो ये हो गया हमारे पिछली क्लास का होमवर्क, है ना। और ये जो प्रेप क्लास को मैंने डाला था, तो आई होप आप सब बच्चों ने कर लिया होगा। इसमें भी आपको ऐसे अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, वापिस अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी से ईख, फिर ऊ से उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से, ये वापिस आपको क्या करना है, इसमें दो लाइनें खींची हुई ना, तो इसमें यही वापिस लिखना है ना। ये वापिस ऊ से उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि बाबा, ए से एडी, अब यहाँ पे ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली, वापिस ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह खाली। तो ये प्रेप क्लास का क्या था, होमवर्क, है ना। तो आप सब बच्चों ने कर लिया होगा। अब अपन आज क्या करेंगे, अंग से अंगूर के बाद में अह खाली, अह खाली,
बजाओ बच्चों ताली। तो ये आज का क्या है आपके CW, और आज की डेट आपको डालनी है ना। तो अ खाली में भी कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, पहले आपको अ से अना लिखना है और इसके पीछे दो बिंदिया करनी है। पहले क्या करना है, अ से अना लिखना है और इसके पीछे क्या करनी है, दो बिंदिया, कुछ भी नहीं है। अंग से अंगूर में ऊपर बिंदी होती है और अ खाली में दो बिंदिया होती है। अंग से अंगूर में तो एक बिंदी होती है, लेकिन अ खाली में दो बिंदिया उसके पीछे होती है, अ से अनार के पीछे। तो आपको भी ऐसे पीछे लिखनी है। देखो अ से अनार करके इसके पीछे दो बिंदिया लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा आपके, अ खाली। क्या बन जाएगा, अ खाली, अ खाली, अ खाली। बजाओ बच्चों ताली। तो ताली बजा दो इस बात पे आप लोग घर पे बैठे बैठे, है ना। तो ये अह खाली तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ये तो आप सबको आ जाता है, फटाफट कर लेते हैं अच्छे बच्चे। कुछ भी नहीं है, आपको अ से अनार लिखना है और उसके पीछे दो बिंदिया लगानी है, तो क्या बन जाता है, अह खाली बन जाता है। तो अब ये तो हो गया था CW और ये हो गया आपके HW। HW में वापिस वही क्या है, अह खाली, अह खाली, बजाओ बच्चों ताली। तो ये आज का आपका क्या है, होमवर्क। तो आपको अच्छा अच्छा काम करना है ना, बहुत ही अच्छा काम करके लाना है। तो आज का आपका ये होमवर्क है, होमवर्क क्या है, अह खाली। तो एक बार मैं वापिस आपको सिखा देती हूँ, कुछ भी नहीं है, अ से अनार तो आपको आ ही गया है, अब इतनी बार सीख लिया है, उसके पीछे ऐसे दो बिंदिया लगानी है, तो क्या बन जाएगा, अह खाली, है ना। तो अब मैं प्रेप क्लास को होमवर्क डाल रही हूँ यहाँ पे। प्रेप क्लास का होमवर्क क्या है, आपको प्रेप क्लास को ये भी तो करना है, ऐसा नहीं है कि आपको बस ये एक पेपर करना है, ऐसा नहीं है, आपको ये भी करना है और ये भी करना है। इसमें आपको करना है क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी, ड खाली। क्योंकि आप प्रेप क्लास में आ गए हो तो आपको तो वर्णमाला पूरी आती है, इसलिए एक एक अक्षर नहीं सिखाएंगे, इसलिए आपको फटाफट ये वाला पांच पांच अक्षर बताएंगे, क्योंकि नर्सरी क्लास में आपने ये सब कुछ सीख लिया था, तो आपको एक एक अक्षर बताने की जरूरत भी नहीं है, है ना। और यूं देखा जाए तो एक एक अक्षर अपन नर्सरी क्लास के अकॉर्डिंग आपको सिखा ही रहे हैं, तो वो भी तो आपको नोटबुक में करना ही है और ये भी आपको नोटबुक में करना है। तो ये प्रेप क्लास के लिए होमवर्क डाला हुआ है। तो क्या डाला है, क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड खाली। तो आपको भी ऐसे लाइनें खींचनी है और फिर ऐसे क से कबूतर, ख से खरगोश, घ से गमला, घ से घड़ी, ड खाली, ऐसे करना है, है ना। कोई कंफ्यूजन होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग सोचोगे कि मैम ने ये वाला काम कैसे डाल दिया, तो सोचने की बात यह है कि आप 2 साल से पढ़ रहे हो तो आपको वर्णमाला तो अब पूरी आ चुकी है, है ना। तो वो नर्सरी क्लास का काम है, तो वो नर्सरी का तो अ से अनार आ से आम एक एक अक्षर सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा नया आता है तो उसको कुछ भी नहीं आता है, इसलिए उसको सिखाना पड़ता है। लेकिन अब आप लोग तो 2 साल पढ़ चुके हो तो आपको तो सब कुछ आना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको वापिस वर्णमाला सिखाई जा रही है, तो आपको यह काम करना पड़ेगा, है ना बच्चों। इसके लिए आपको मम्मी पापा को परेशान करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको खुद को करना पड़ेगा,
है ना, देख देख के आपको अच्छे ढंग से लिखना पड़ेगा, और ये वाला काम भी आपको करना है अपनी नोटबुक में। तो आपको टोटल 3 पेपर करने पड़ेंगे, एक CW अह खाली, एक HW अह खाली, और एक ये वापिस HW प्रेप क्लास के लिए है, जो क से ड तक है आपके, है ना। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी और ड खाली। तो ये वाला पेपर भी आपको अपनी नोटबुक में करना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, आज का आपका ये होमवर्क है। अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में आपको काम करना है, अच्छी अच्छी लाइनें खींचनी है अपनी नोटबुक में। कुछ भी गलत हो जाता है तो इरेजर से फटाक से मिटा देना है और वापिस अच्छे ढंग से लिखना है। उसके लिए आप किसी को भी परेशान नहीं करोगे, अपना काम अपने आप करोगे। मम्मी पापा से अगर काम करवा के लाए तो डंडे पड़ जाएंगे आपको, इसलिए आपको अपना काम खुद ही करना है, किसी और से नहीं करवाना है। अगर आपने कहीं और से काम करवा लिया और फिर कॉपी आ गई हाथ में और हमको पता चल गया कि ये काम आपने खुद ने नहीं किया, आपने मम्मी से करवाया है, तो फिर आपकी पिटाई हो जाएगी। इसलिए आपको अपना काम अपने आप करना है, जैसा भी आपको लिखना आता है आपको खुद को ही लिखना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।